हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, चार्ज कैसे डेवलप होता है, न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज बॉडी हो जाती है, फ्रिक्शन और रबिंग से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसा कि यूजुअली क्लाउड में होता है, आपने अगर रेनी सीजन में देखा होगा थंडरिंग होती है और लाइटनिंग होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाउड होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है और वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के होते हैं चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम लोग चार्ज की यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलॉम। अब हम लोगों को बात करना है यूनिट ऑफ चार्ज या वन कूलॉम की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। वन कूलॉम की बात करना है हम लोगों को या फिर यूनिट चार्ज की बात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फोर्स, हम लोगों को पता है कि दो अगर लाइक चार्जेस हैं दे विल रिपल इच अदर, अनलाइक है तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर। रिपल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होता है वो किसने बताया था हम लोगों को, कूलॉम ने बताया था। न्यूमरिकल उसका जो रिलेशन होता है वो होता है के टाइम्स क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो ये वाला जो कूलॉम्स लॉ है जिसके अकॉर्डिंग होता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन देम। एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, इनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज वन कूलॉम। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू कितनी रख रहा हूं, वन कूलॉम। इसकी जगह पे वैल्यू क्या रख रहा हूं, वन कूलॉम। और ये जो मीटर है, सॉरी डिस्टेंस सेपरेशन, एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं तो इसकी जगह पे भी हम लोग क्या प्लेस कर दें, वन मीटर। अब देखिए ये सारी वैल्यू तो वन 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 हो गई, अगर हम लोग न्यूमरिकल वैल्यू इनकी रखेंगे तो सब कुछ यहां से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा, देयर फोर एफ इज इक्वल टू के, जहां पे के क्या था, प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट था तो यहां पे हमने के की वैल्यू देखी थी कूलॉम्स लॉ में, वो कितनी होती है, 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, और उसके बाद में आ जाती है ये वैल्यूज फोर्स। एक्चुअली ये फोर्स की वैल्यू आ गई है, K बचा है और K की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, तो फोर्स हो जाएगा इतने न्यूटन। अब फोर्स जो है इक्वल हो गया 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये कब हुआ, जब हम लोगों ने चार्ज क्या लिया, 1 कूलॉम, और उनके बीच का सेपरेशन क्या लिया, 1 मीटर। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करना है आप लोगों को कि 1 कूलॉम इज दैट मच चार्ज, 1 कूलॉम is that much charge which when placed at separation of 1 meter, दोनों के बीच का separation कितना लिया हम लोगों ने, 1 meter, the force acting between two charges, जब हम लोगों ने ये 1 कूलॉम 1 कूलॉम 1 meter रखा तो force की numerical value कितनी आई, 9 times 10 to the power 9 newton। तो मैं एक बार repeat कर रहा हूं, 1 कूलॉम of charge is that much charge which when placed at separation, separation of 1 meter, the charges experience a force। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, 1 कूलॉम। 1 कूलॉम वो चार्ज होता है, अगर हम लोग 1 कूलॉम चार्ज को 1 मीटर सेपरेट करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।